आप जानते हो एंटरप्रेन्योर का दिमाग सारे डिपार्टमेंट्स में चलना चाहिए, फ्रॉम फाइनेंस टू मार्केटिंग टू ऑपरेशंस टू एचआर टू परचेज, सब में दिमाग चलना चाहिए, विच इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर देयर वर्किंग इन अ स्टार्टअप. क्या जॉब करना चाहिए बिजनेस करने के पहले या डायरेक्ट बिजनेस करना चाहिए? आंसर बहुत सिंपल है पर इतना ईजी नहीं. पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर बिजनेस करने का कीड़ा है, तो करिए जरूर, क्योंकि हमेशा नहीं तो लगता रहेगा कि काश किया होता, और अगर किया होता तो एक अलग ही लेवल होता. पर आप सोच रहे होंगे कि करना तो है पर स्टार्ट कब करें जितेश? क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए उस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है? कोई एक नई इंडस्ट्री को समझना बहुत आसान है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट्स कंपैरेटिवली न्यू एंड इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट. बट एनी कोर इंडस्ट्री लाइक रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज टेक्स टाइम. पर अगर जल्द सीखना हो, समझना हो कोई इंडस्ट्री को, उसके लिए पहला स्टेप है मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कौन सी फील्ड में आप जाना चाहते हैं. ब्रॉडली यार, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हो या फैशन में जाना चाहते हो, जस्ट अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. ऐसा कोई काम जिसका आपका करने का मन करता है, आप पैसे के लिए नहीं करना चाहते, खुद के लिए करना चाहते हैं वो काम. अगर एक चूज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, दो तीन चूज कर लो. स्टेप टू, इन योर ग्रेजुएशन फाइंड अ 2-3 आवर इंटर्नशिप इन अ स्टार्टअप, नॉट इन अ बिग कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी में सीरियसली लेते ही नहीं है आपको. चलो आपने सीरियसली कर भी ली कोई बड़ी कंपनी में, ज्यादा से ज्यादा एक या दो डिपार्टमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा. पर आप जानते हो एंटरप्रेन्योर का दिमाग सारे डिपार्टमेंट्स में चलना चाहिए, फ्रॉम फाइनेंस टू मार्केटिंग टू ऑपरेशंस टू एचआर टू परचेज, सब में दिमाग चलना चाहिए, विच इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर देयर वर्किंग इन अ स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप नीड्स गुड पीपल फॉर फ्री. और जो आपको एक स्मार्ट यंग एंटरप्रेन्योर सिखा सकता है, वो एक बड़ी कंपनी का वीपी भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि वीपी हैज एन एम्प्लॉय माइंडसेट, नॉट एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. अगर आपने 3 इंडस्ट्री चूज करी थी तो आपको 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी फॉर अराउंड 4-6 मंथ्स. कोई इंडस्ट्री को समझने में थोड़ा समय लगता है. अब आपको इंडस्ट्री समझ में आ गई और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया. स्टेप 3, फाइंड अ जॉब इन एन इंडस्ट्री विच यू लाइक. जो 3 चूज करी थी उनमें से कौन सी पसंद आई थी उसमें जॉब ढूंढिए. अगेन स्टार्टअप में होना चाहिए वो. बड़ी कंपनी में जल्दी मत करिए जाने की, क्योंकि बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो आपसे किस टाइप का काम कराएंगे? वो डायरेक्ट सेलिंग करवाएंगे, टेलीकॉलिंग करवाएंगे, डेटा एनालिसिस करवाएंगे, कभी भी ऐसा एक्सपोजर नहीं देने वाले जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए. स्टार्टअप में आपको पैसा भले कम मिलेगा बट ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सपोजर मिलेगा. माय फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अपना कोर स्ट्रेंथ और टैलेंट ढूंढ रहे हैं और उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है. मैंने कई MNC के एम्प्लॉयज को देखा है, उन्हें 40-45 की उम्र में पता चलता है कि उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है. पर अब तो पैकेज भी बहुत बढ़ चुका है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, तो बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात, वो अपना डिपार्टमेंट तक चेंज नहीं कर पाते. स्टेप 4, 2-3 साल एक्सपीरियंस करने के बाद आप कर सकते हैं MBA फ्रॉम अ टॉप कॉलेज. अगर टॉप कॉलेज नहीं मिले, प्लीज डोंट डू इट. MBA में आपको पता चलता है कि वो जो स्टार्टअप का फाउंडर जिसके साथ आप काम कर रहे थे, वो क्या सही और क्या गलत कर रहे थे. यू कैन इजीली रिलेट द थियरी विद द जॉब विच यू डिड. स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू हैव इनफ एक्सपीरियंस. और ये स्टार्टअप का पैसा आएगा आपकी सैलरी से. 20% ऑफ योर सैलरी शुड बी सेव्ड फॉर द स्टार्टअप फंडिंग. स्टेप 5, एक कैच आएगा जस्ट एट द एंड ऑफ द MBA प्लेसमेंट सीजन, जहां सब दौड़ रहे होंगे टॉप जॉब ऑफर्स के लिए. अगर आपने ये चारों स्टेप अच्छे से करे हैं तो आपको टॉप जॉब ऑफर से कोई नहीं रोक सकता. अब आपके कीड़े पे डिपेंड करता है जो बिजनेस का था, कि वो बड़ा हुआ है या मर गया. अगर बड़ा हुआ है तो सबको छोड़िए एंड किक स्टार्ट योर स्टार्टअप. पर अगर मर गया, यू हैव अ ग्रेट जॉब ऑफर इन योर हैंड. तो फिर से देखते हैं ये 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, चूज 2-3 इंडस्ट्रीज विच यू लाइक एंड यू वॉन्ट टू वर्क, नॉट फॉर मनी बट फॉर योर सेल्फ. स्टेप 2, डू एन इंटर्नशिप in a startup of that industry. Step 3, do a job in an industry which you liked the most. Step 4, do an MBA from a top college or start your startup with the money you saved. Step 5, after MBA, choose job or startup. एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रोसेस को समझते हैं. आप आइसक्रीम खाने जाते हैं एक पार्लर में, जहां पे आपको 20 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दिखते हैं. आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे तो यार फ्रूटी फ्लेवर खाना है. तो आप देखते हैं वहां पे 3-4 फ्रूटी फ्लेवर्स हैं, उन तीनों चारों को टेस्ट करते हैं और फिर खरीद लेते हैं जो सबसे अच्छा लगता है. एग्जैक्टली द सेम थिंग करियर भी ऐसा ही होता है. ट्राई, टेस्ट एंड प्लंज.
अगर आपके पास ये पांचों स्टेप फॉलो करने का समय नहीं है और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा बिजनेस करा जाए, सो वेलकम टू माय यंग एंटरप्रेन्योर सेमिनार, जहां पे हम ऐसे ही कई कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। नेक्स्ट सेशन इंदौर में होने वाला है, सिर्फ 2 घंटे का ये सेशन है। यू कैन कॉल 9826123454 एंड बुक योर सीट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।